क्या है बर्फ, ये डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स होता है धूल, ठीक है, मीन्स छोटा छोटा जो कण होता है धूल, तो डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, यानी बर्फ का जी मीन्स बहुत छोटा सा पार्ट, ठीक है, बहुत छोटा छोटा कण, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इस पैराग्राफ के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, और वो ये कहना चाहते हैं जो द वे अ क्रो, जिस प्रकार से, वे मतलब प्रकार, जिस प्रकार से एक कौवा ने, द वे अ क्रो, एक कौवा ने सुक डाउन ऑन मी, सुक जो आपको बना हुआ है ये, ठीक है, ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है, क्या है इसका, सेक, एस एच ए के, सेक मतलब क्या होता है, हिलना, ठीक है, इसका पास्ट फॉर्म है, सेक से क्या बना, सुक, तो क्या किया है, सुक डाउन ऑन मी, क्या किया, मेरे ऊपर कुछ क्या किया, हिला के क्या किया, डाउन, गिरा दिया, मेरे ऊपर कुछ हिला के क्या किया, गिरा दिया, क्या गिराया, वो गिराया है, आगे देखेंगे, द डस्ट ऑफ स्नो, मेरे पे क्या गिराया है, जो डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ का कुछ कण, मतलब कुछ बर्फ को क्या किया है, गिरा दिया है, ठीक है। और बर्फ जो गिराया है, तो बात ये उस समय की है जब काफी ठंड पड़ती है, काफी बर्फबारी होती है, ठीक है, तो उस समय की बात है, पेड़ पे बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, बर्फ जमा हो चुका है, पूरा बर्फ से क्या है, आच्छादित है, हर पेड़ पे ऐसा लग रहा है जो पूरा बर्फ का एक मोटा परत जम गया है, ठीक है। तो और वो जो डस्ट गिराया है, वो कहाँ से है गिरा हुआ, वो गिराया गया है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, वो गिराया गया है कहाँ से, हेमलॉक ट्री से वो गिराया गया है। तो कहने का मतलब है उस भीषण ठंड में, ठीक है, तो एक कौवा होता है, ठीक है, एक क्रो है, जो क्या करता है, बैठा हुआ है, किस पे बैठा हुआ है, एक ट्री पे बैठा हुआ है, उस ट्री का नाम क्या है, हेमलॉक ट्री, ठीक है। और उस कौवा को क्या हो रहा है, काफी ज्यादा ठंड लग रहा है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो वो क्या करता है, वो शरीर को क्या करता है, ऐसे करके हिलाता है, कुछ फड़फड़ाता है, जो अपना पंख को फड़फड़ाता है, इन द सेंस ऑफ क्या होता है, जो कुछ बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, वो क्या होता है, हेमलॉक ट्री के नीचे क्या होता है, गिर जाता है, मीन्स ट्री है, हेमलॉक ट्री, उस पे डाली है, ठीक है, उस डाली पे सबसे ऊपर में टॉप पे कौन बैठा हुआ है, क्रो बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखने वाली बात है, क्रो, ठीक है, ये क्या है आपका, क्रो, कौवा, क्या हमारे समाज में इसको अच्छा साइन माना जाता है, कौवा को, कौवा को हमारे समाज में अच्छा साइन नहीं माना जाता है, लोग इसको बैड लक समझते हैं, ठीक है, अगर घर के मुंडेर पे कौवा काव काव कर रहा है, तो लोग क्या करता है, उसको इंस्टेंटली भगाता है, उसको भगाओ यहाँ से, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि लोग मरता है तो कौवा बन जाता है, पता नहीं ये बात सच हो या ना हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है, और खास करके काले कौवे से तो लोग और डरता है, काला जो कौवा होता है, ठीक है। और फिर देखते हैं ये कौवा जो आपका है, क्रो है, ये क्या है अपने साथ, निगेटिव इम्पैक्ट लेके आया है, ठीक है, निगेटिविटी को शो कर रहा है, ठीक है, और वो जो आपका पेड़ है, हेमलॉक ट्री, ये भी निगेटिविटी को शो कर रहा है। हेमलॉक क्या है, एक जहरीला प्रकार का पेड़ होता है, ठीक है, जिसमें जो इसका फूल जो होता है ना, वाइट कलर का फूल होता है, ठीक है, वो वही वाइट कलर का जो फूल है, उसको आपने जो है सोक्रेट्स का नाम सुना होगा, सुक्रात का, ठीक है, उसने जो विष का प्याला पिया था, ठीक है, वो प्याला इसी हेमलॉक ट्री का जो वो फ्लावर है, उसी का जूस से तैयार किया गया, ठीक है, मीन्स ये पूरा पेड़ क्या होता है, काफ़ी जहरीला होता है। तो देखिए निगेटिव इम्पैक्ट क्या है आपका, कौवा वो निगेटिविटी को दर्शा रहा है, आपका हेमलॉक ट्री निगेटिविटी को बता रहा है। तो हम देखते हैं जो हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ है जिसको लोग बुरा मानते हैं। फॉर एग्जांपल, आप साइकिल से या बाइक से रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, तो आगे से क्या होता है, बिल्ली आपका रास्ता काट, ठीक है, तो बिल्ली आपका रास्ता काटता है, तो आप क्या करते हैं, इसको अच्छा संकेत मानते हैं और जब आगे बढ़ जाते हैं,
नहीं, आप क्या करते हैं वहाँ रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ क्या है गड़बड़ हमारे साथ होने वाला है, या हमारे फैमिली में या कहीं ना कहीं कुछ होगा जिसका इम्पैक्ट मेरे पे पड़ेगा। इसीलिए क्या करते हैं, आप वहीं रुक जाते हैं। ठीक है, कोई बाइक वाला इधर से निकला या उधर से कोई आया, तब आप चलते हैं वहाँ से। अगर बहुत ज़रूरी जाना होता है आपको तो आप क्या करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, रात के 8 बज रहे हैं, ठीक है, कोई ना इधर से जाने वाला ना उधर से, बीच में बिल्ली रास्ता काट दिया, तो आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ आप क्या करते हैं, हम लोग इंडिया से हैं, जोगाड़ू आदमी है, कुछ ना कुछ जोगाड़ लगा लेते हैं। क्या करते हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ के क्या करते हैं, 3 बार थूक फेंक देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे अपने रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, या फिर अगर गाड़ी पे चल रहे हैं तो क्या करते हैं, गाड़ी से किसी उतार देते हैं, तुम 4 कदम आगे बढ़ के थोड़ा आगे बढ़ जाओ, फिर उसके बाद आ जाना, तब चलेंगे। उसको बुरा माना जाता है, और बहुत सारे चीज है जिसको बुरा माना जाता है लोगों के द्वारा। जैसे कुत्ता अगर रोता है, ठीक है, उसको बुरा माना जाता है। कुत्ता अगर आंगन में रो रहा है या बिल्ली रो रही है तो उसको भगाया जाता है। ठीक है, ये सारा चीज़ क्या है, निगेटिविटी को शो करता है। ठीक है, और देखा भी गया है जब यहाँ पे क्या कहते हैं सुनामी जब आया हुआ था, ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये सुनामी आने का जो इंडिकेशन था, सबसे पहले जो है किसको पता चल गया था, मछली को पता चल गया था। ठीक है, तो समुद्र में जो मछलियाँ रहती है वो क्या कि जो समुद्र तट मतलब पानी से क्या कि बाहर आ गई थी सारी मछली, तो कोई इस बात को नहीं समझ पाया। ठीक है, मछुआरा जो था, मछुआरा इस बात को समझ गया कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। कहने का मतलब ये है, जो इन जानवरों को पहले से आभास हो जाता है, उन लोग को दिख जाता है जो क्या होने वाला है। ठीक है, बिल्ली वगैरह ही है तो इसको क्या है, दिख जाता है आगे क्या होने वाला है, कुत्ता को दिख जाता है आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो रोने लगता है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, उसको साइड करवाते हैं, जो ये क्या है, अशुभ का संकेत है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे जिस प्रकार से एक कौवा ने क्या किया है, सुक डाउन किया है, हिलाया है, और क्या किया, हिला के क्या किया, मेरे पे क्या किया, मी मेरे पे गिरा दिया है। क्या गिराया है भाई, तो डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कुछ डस्ट मेरे पे पूरा गिरा दिया, जो कि कहाँ का है, हेमलॉक ट्री का। हेमलॉक ट्री के बारे में आप जान रहे हैं, कैसा ट्री होता है, अच्छा वाला ट्री होता है, नहीं अच्छा वाला होता है। अब देखिए यहाँ पे लेखक जो है बात कर सकते थे किसी अच्छे पेड़ का, बनियन ट्री का बात कर सकते थे, पीपल ट्री का बात कर सकते थे, ठीक है, तुलसी प्लांट का बात कर सकते थे, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ है, उसका बात नहीं करके उन्होंने किसको उठाया है, हेमलॉक ट्री को उठाया है। ठीक है, पूरा क्या है स्थिति क्या है, कुछ ज्यादा ही सीरियस है। ठीक है, तो और क्रो का बात उठाया, बर्ड तो सुंदर सुंदर बहुत सारे बर्ड है, नाइटिंगेल है, ठीक है, पीकॉक है, ठीक है, और क्या है, बहुत सारे पैरट वगैरह है, अच्छे अच्छे बर्ड को ना लेके यहाँ पे उन्होंने चूज किसको किया है, क्रो कौवा को किया है। इसका मतलब है कवि अभी जो है उस पेड़ के नीचे, कवि का मूड क्या है, पूरा का पूरा मूड का खराब है। ठीक है, और इसीलिए उनको ब्यूटी किसी में नहीं दिखा, ब्यूटी दिखा तो किस में, क्रो में दिखा, और ब्यूटी उसको बनियान ट्री सब पीपल ट्री में नहीं दिखा। ठीक है, उसको दिखा किस में, हेमलॉक ट्री में। यहाँ तक समझ में आ गया सर जी। तो आगे हम लोग देखते हैं, हैज गिवन माय हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। अब देखिए, चूंकि कवि का मूड बहुत खराब था, वो घर से निकले थे, ठीक है, मूड बहुत खराब था, इसका दिन अच्छा नहीं जा रहा था, तो ये गुजर रहे थे तो रास्ते में एक पेड़ था, और वो पेड़ कौन सा था आपका, हेमलॉक ट्री था, उसके नीचे जाके ये क्या किए, दो पल के लिए रुक गए। और इसी बीच क्या होता है, पेड़ के ऊपर जो टहनी है, ठीक है, उस पर एक कौवा बैठा हुआ रहता है, ठीक है, और वो पेड़ ऑलरेडी बर्फ से क्या है ढका हुआ है, ठीक है, और उस पर कौवा बैठता है, चूंकि ठंड इतना ज़्यादा है, ठीक है, तब ना बर्फ जम वगैरह हर जगह गया है, तो कौवा को भी ठंडा लग रहा है, उसको भी क्या हो रहा है, वो भी शिवरिंग कर रहा है। ठीक है, और वो जो शिवरिंग कर रहा है तो पंख कैसे फड़फड़ाता है, उसको नहीं पता है नीचे में हमारे पोएट साहब, ठीक है, वो ऐसे हिला खिलाता है तो वो गिरा देता है। ठीक है, तो डबल निगेटिव बात है, कभी का मूड खराब निगेटिव बात, कौवा निगेटिव बात, ठीक है, और डस्ट, डस्ट क्या है यहाँ पे, धूल, मिट्टी, धूल क्या है,
इसमें जो चीज मिलता है वो चीज क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाता है। डस्ट में अगर कोई चीज आप अच्छा भी चीज को गिराइएगा तो क्या होगा, वो खराबी होगा ना। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, निगेटिविटी को ही दर्शाता है, दिखाता है। ठीक है, चलिए अब सिर्फ सुनो का बात कर सकते थे ना, लेकिन डस्ट लगा दिए। ठीक है, अब हम लोग भी तो समझ ही गए निगेटिविटी दर्शा रहा है। तो कुल मिला के कभी का मूड खराब, उसके बाद बाकी जो चीज हो रहा है बैड वुमेन खाली इसके साथ हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। Has given my heart, उसने क्या किया है, has given, किसने, ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, बर्फ का जो टुकड़ा है, इसने क्या किया है, has given, give means क्या होता है, देना जी। Has given, उसने मुझे दिया है, क्या दिया है, my heart, उसने मेरे दिल को दिया है, क्या दिया है, a change of mood, means उसने मेरे दिल को क्या किया, सुकून दिया। क्या सुकून दिया, वो जो डस्ट ऑफ स्नो गिराया गया है किनके द्वारा, क्रो के द्वारा, जो कि सब उसको बैड वुमेन मानता है, खराब मानता है। को वक्त मेरे साथ सब कुछ खराब था, लेकिन उस बैड वुमेन ने, उस बैड पक्षी जिसको मानता है लोग, उसका आवाज तक सुनना पसंद नहीं करता है, उसने मेरे साथ क्या किया, कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा कर कमाल में तेरा हो जाओ, तो किसी और की है फिलहाल में तेरा हो जाओ। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे कुछ ऐसा किया है कमाल, किसने, उस कौवा ने और उस हेमलॉक ट्री ने। क्या हुआ है, कवि साहब का मूड जो कि ऑलरेडी खराब था, ठीक है, क्या हो गया, इसका दिल क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका दिल रो रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, हर बात को भूल गया। ठीक है, समझ गए, चेंज ऑफ मूड, अब इसका मूड क्या हो गया, सही हो गया। मीन्स जो भी बात इसके मन में चल रहा था ना, जिस बात को लेके ये टेंशन में थे, घर का मैटर हो या जो भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, ऊपर वाला जो स्थिति देखा ना जी, उसके तरफ इसका ध्यान चला गया। और ये उस प्रकार से क्या किया, सोचा, ठीक है, क्या सोचा, आगे देखते हैं किस चीज से उसका मूड चेंज हो गया। तो ये कह रहे हैं, जो देखो मतलब डबल निगेटिव चीज, सिर्फ निगेटिव ही चीज मेरे साथ हो रहा है। अब आप मैथ में पढ़े होंगे, माइनस माइनस आप क्या पढ़े होंगे, प्लस हो जाता है ना जी। ठीक है, तो निगेटिव चीज मिलके भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। और यहाँ पे वैसा ही हुआ है, निगेटिव चीज ही आपके, ये आपको आपके लाइफ के बारे में भी बताएगा, आपके लाइफ में क्या होगा, गलत चीज होगा, निगेटिव बातें होगी, जो आपको पसंद नहीं, सिर्फ वही आपके साथ में होगा, कुछ भी करिएगा वही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी से हार जाए, ऐसा ये मतलब नहीं है कि मेरा दिल बैठ जाए। तो इसका ये भी तो हो सकता है जो कुछ पॉजिटिव के लिए हुआ है। ठीक है, कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे लेखक साहब के साथ क्या हो रहा है, कवि के साथ क्या हो रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहने का मतलब, वहां पे खड़ा है, इसका मूड खराब है, और पेड़ का बैठना, सॉरी पेड़ पे उस पंछी कौवा का बैठना अच्छे के लिए हुआ। ठीक है, और हम लोग भी क्या करते हैं, जब बहुत सारी असफलताएं मिलती है तो हम लोग क्या करते हैं, ये बात कहते हैं, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। बोलिएगा ये कैसे, जो मन का हो तो अच्छा है, अगर नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों ज्यादा अच्छा है, मन का नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा क्यों है, क्योंकि फिर वो होता है इसके, ईश्वर के मन का होता है। ठीक है, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि फिर जो होता है वो ईश्वर के मन का होता है। और ईश्वर कभी भी ये नहीं चाहेगा जो लोगों का क्या हो, बुरा। और ईश्वर के हिसाब से अगर होगा तो ऑलरेडी क्या होगा, चीजें बेस्ट होगी, समझ गए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, इनका मूड चेंज हो गया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और उसने क्या किया, जो कुछ पार्ट था, ठीक है, वो दिन तो हमको लगा जो आज का दिन मेरा बेकार चला जाएगा, खराब चला जाएगा। ठीक है, तब से मेरा मूड जब चेंज हो गया, मैंने क्या किया, अपने उस दिन को सेव किया, बचा लिया, वो दिन जो पेट पूरा मेरा खराब होने वाला था, वो मेरा पूरा दिन अब खराब होने से बच गया। ऑफ अ डे आई हैव ड्यू, मतलब क्या होता है, बर्बाद होना, उस दिन जो कि खत्म होने वाला था, वो दिन जो कि खत्म होने वाला था, उस दिन को मैंने क्या किया, बचा लिया। ठीक है, रिग्रेट में नहीं बीता, नहीं तो क्या होता, पूरा दिन मेरा रिग्रेट में, पछतावा में, अफसोस करते। ठीक है, और एक दिन जब चला जाता है इंसान के लाइफ से, तो क्या वो वापस आता है, नहीं आता है। तो ये आपका क्या था, पोएम था डस्ट ऑफ स्नो।